हेलो बच्चों, आज बेटा हम लोग ये सीखेंगे कि फिजिक्स में कैलकुलस के एप्लीकेशन किस तरह से करना है। और कैलकुलस के बेसिकली दो पार्ट हैं, एक तो डिफरेंशिएशन और दूसरा इंटीग्रेशन। इसमें पहला पार्ट आज के लेक्चर में हम लोग सिर्फ डिफरेंशिएशन पर डिस्कशन कर रहे हैं, और डिफरेंशिएशन के भी लेक्चर को दो पार्ट में हम डिवाइड करेंगे। एक तो डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, और दूसरा जो पार्ट होगा कि डिफरेंशिएशन का फिजिक्स में एप्लीकेशन कैसे करेंगे, क्या उसके एप्लीकेशन है। तो इसलिए आज का पार्ट मैं आपको सिखा रहा हूँ सिर्फ कि डिफरेंशिएशन हमें कैसे करना है, क्योंकि आपको इसके बाद मैं आपको मोशन इन वन डायमेंशन कराऊंगा तो उसमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए सबसे पहले हम लोग ये सीखते हैं कि कैसे डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे। सबसे पहले तो आपको कुछ बेसिक्स फॉर्मूले याद होने चाहिए, हालांकि मुझे लगता है कि आपको याद होगा, फिर भी मैं एक बार सारे फॉर्मूले को नोट कर दे रहा हूँ और वही फॉर्मूले लिख रहा हूँ जिसकी फिजिक्स में ज़रूरत है। हैं तो बहुत सारे फॉर्मूले, बट फिजिक्स में जिसकी एप्लीकेशन है और उसमें भी कौन से फॉर्मूले सबसे ज़्यादा फिजिक्स में यूज़ होंगे उसकी उसको मैं आपको बताते चलूँगा। तो सबसे पहले फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला कैसे, सबसे पहला फॉर्मूला है और हर फॉर्मूले के एप्लीकेशन में आपको सिखाते चलूँगा कि कैसे इसको यूज़ करना है। सबसे पहला फॉर्मूला डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन, इसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला आप जानते होंगे, याद है बच्चों, एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। इसको यूज़ कैसे करना है इसको सीखते हैं एक दो एग्जांपल के साथ। इसका मतलब है कि डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वेरिएबल है और एन आपका कॉन्स्टेंट है, तो फॉर्मूले को ऐसे भी हम समझ सकते हैं कि वेरिएबल पर पावर अगर कॉन्स्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला ये है कि ये जो पावर है n, ये बाहर आ जाएगा और वेरिएबल पे पावर में से 1 माइनस कर लेंगे। जैसे मान लीजिए आपको दिया हुआ है कि d अपॉन डी एक्स ऑफ x टू दी पावर 5, इसका डिफरेंशिएशन आपको करना है। तो इसका मतलब ये हुआ 5 आपका जो पावर है वो पहले बाहर निकाल लेंगे, इसके बाद x टू दी पावर क्या आ जाएगा, 5 माइनस 1, तो ये हो जाएगा आपका 4। तो इसको यूज़ करेंगे हम इस तरह से। अगर मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन ये दे रखा है, सपोज कर लीजिए 5 पे पावर एक्स, अब ये गलती मत करिएगा, ये फॉर्मूला यहाँ पे वैलिड नहीं होगा क्योंकि ये आपका कांस्टेंट पे पावर वेरिएबल है, तो इसके लिए दूसरा फॉर्मूला होगा, इसको यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, इसका फॉर्मूला देखिए क्या होगा, दूसरा डी अपॉन डी एक्स ऑफ ए पे पावर एक्स, ये फॉर्मूला आपका कांस्टेंट पे पावर वेरिएबल, इसका फॉर्मूला होता है ए पे पावर एक्स इंटू लॉग ए बेस ई। तो अब इसको मान लीजिए आपको डिफरेंशिएट करना है, तो यहाँ पे आपका होगा, इस फॉर्मूले को देखिए ध्यान से, ए पे पावर एक्स इंटू लॉग ए बेस ई, तो यहाँ आपका हो जाएगा 5 पावर एक्स इंटू लॉग 5 बेस ई, तो इसका डिफरेंशिएशन ये होगा आपका। और देखिए इस पर एक दो एग्जांपल और कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको लिखा हुआ है डी अपॉन डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स, बेटा ये बहुत यूज़ होता है इसलिए आप इसको चाहें तो याद भी कर सकते हैं, लेकिन इसका मान लीजिए आपको डिफरेंशिएशन करना है, तो इसको लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 1/2। अब ये कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये लगेगा या ये लगेगा, देखिए ये आपका वेरिएबल पे पावर कॉन्स्टेंट, इसका मतलब पहला फॉर्मूला यहाँ लगेगा, तो ये आपका इसका रिजल्ट आ जाएगा 1/2, पावर को हमने बाहर कर लिया और एक्स पे पावर, इस पावर में से क्या करते हैं 1 माइनस करते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 1/2 माइनस 1, इसका मतलब हो गया ये 1/2 एक्स टू द पावर माइनस 1/2, ये आप इसको लिख सकते हैं 1/2 अंडर रूट एक्स, तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स इक्वल टू 1/2 रूट एक्स। ये याद रखिए बच्चों, एक तरह से फॉर्मूले तो ये फिजिक्स में और मैथ में भी बहुत यूज़ होगा। तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, ये ध्यान रखना आपको। तीसरा फॉर्मूला देखिए डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट टर्म, अगर कोई कॉन्स्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। जैसे इसको रब कर रहा हूँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, स्टार्टिंग लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट आर यूज फॉर द कॉन्स्टेंट लाइक ए बी सी डी ई एफ, लिखा हुआ नहीं होगा क्वेश्चन में बट आपको मान के चलना कि ये कॉन्स्टेंट है।
तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन या कोई भी नंबर्स दे रखे हैं तो नंबर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो होगा। जैसे लिख दिया जाए डी अपॉन डी एक्स ऑफ फाइव, फाइव क्या आपका कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा आपका जीरो। तो ये ध्यान रखना है। लेकिन अगर मान लीजिए कांस्टेंट किसी वेरिएबल में मल्टीप्लाई है तब उस केस में कांस्टेंट का जीरो नहीं होगा। जैसे लिखा हुआ डी अपॉन डी एक्स, फॉर्मूला देखिए कांस्टेंट इंटू एफ एक्स, तो इस केस में कांस्टेंट को एज इट इज बाहर नोट कर लेंगे एंड डी अपॉन डी एक्स ऑफ वेरिएबल फंक्शन। इसमें देखिए एक दो एग्जांपल, जैसे मान लीजिए आपका क्वेश्चन है डी अपॉन डी एक्स ऑफ टू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ देखिए ये टू इस वेरिएबल एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई किया गया है, तो अब इस टू का डिफरेंशिएशन ज़ीरो नहीं होगा, इसको एज इट इज़ नोट कर लेंगे, ये हो जाएगा आपका टू। और एक्स स्क्वायर का आप देखिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, पहला फॉर्मूला अभी आपको सिखाया गया है एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर में ये टू आपका बाहर आ जाएगा इंटू टू, और एक्स में पावर कितना आ जाएगा टू माइनस वन, दैट मीन्स वन, इसका मतलब इसको लिख सकते हैं फोर एक्स। तो इस केस में ध्यान रखिएगा जब भी कांस्टेंट का किसी वेरिएबल में मल्टीप्लाई किया गया होगा तो उस केस में इसका डिफरेंशिएशन जीरो नहीं होगा, कांस्टेंट को एज इट इज लिख लेंगे और इसको ऐसे नोट कर लेंगे। जैसे और देख लीजिए कि यहाँ पर डी अपॉन डी एक्स ऑफ सपोज के लिए लिख दिया गया ए एक्स क्यूब, ए इज कांस्टेंट, तो इस कांस्टेंट को हम एज इट इज नोट कर लेंगे और एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, पावर ही आपका बाहर आएगा और थ्री में से वन माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा टू, तो थ्री एक्स स्क्वायर, इसका मतलब हो गया थ्री ए एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन हो गया। अगला फॉर्मूला देखते हैं हम लोग बेटा, ये तो चौथा था, नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं, हर फॉर्मूले का एप्लीकेशन भी सीखते चलिए। नेक्स्ट है डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई एक्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शन इसको कहते हैं, इसका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों सेम ही होता है ई एक्स। नेक्स्ट है आपका डी अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बेस ई, एक चीज़ ध्यान रखना बेटा जब भी आप कैलकुलस करते हैं बेस नहीं लिखा हुआ है तो बी बेस ई इसका अंडरस्टूड होगा। आपको पता है लॉग बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, नेचुरल लॉगरिथम और कॉमन लॉगरिथम, बेस 10 होता है तो उसको बोलते हैं कॉमन लॉगरिथम और बेस ई होता है तो उसको बोलते हैं नेचुरल लॉगरिथम। तो जब भी आप अर्थमेटिक का काम करते हैं कहीं पर तो उसमें अगर बेस नहीं लिखा हुआ है तो उसका बेस 10 अंडरस्टूड होता है, और अगर कैलकुलस आप कर रहे हैं डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बेस नहीं लिखा हुआ है तो उसका बेस ई होता है। और जब भी लॉग का बेस ई होता है, ऐसे मान लीजिए बेस ई, तो ज़रूरी नहीं कि ऐसे लिखा हुआ हो, इसको लिखने का तरीका होता है ये एल एन एक्स का मतलब ही होता है लॉग एक्स बेस ई, मतलब बेस इसका अंडरस्टूड है, तो ये ध्यान रखना आपको। अब देखिए लॉग एक्स बेस ई का डिफरेंशिएशन वन अपॉन एक्स। नेक्स्ट डी अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बेस ए, इसका डिफरेंशिएशन वन अपॉन एक्स इंटू लॉग ई बेस ए। सातवां आपका फॉर्मूला हो गया। आठवां डी अपॉन डी एक्स ऑफ यू इंटू वी, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है अगर है, मान लीजिए फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकेंड फंक्शन है, तो इसका बल्कि इसके पहले दूसरा फॉर्मूला लिख लेते हैं ताकि इसका एप्लीकेशन भी आपको और अच्छे से बता पाऊँ। आठवां लिख लेते हैं डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा कॉस एक्स, याद रखिए नाइन्थ फॉर्मूला, और ये सबसे ज़्यादा फिजिक्स में यूज़ होगा ये और ये नाइन्थ, डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन एक्स। टेंथ फॉर्मूला डी अपॉन डी एक्स ऑफ टेन एक्स, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा देखिए सेक स्क्वायर एक्स। एलेवेंथ फॉर्मूला डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ट्वेल्थ डी अपॉन डी एक्स ऑफ सेक एक्स, तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स टेन एक्स। थर्टीन्थ डी अपॉन डी एक्स ऑफ
कोसेक एक्स, तो कोसेक एक्स का क्या होगा बेटा, माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। गर्मी बहुत है बेटा, चलिए कोई बात नहीं। कोसेक एक्स, नेक्स्ट देखिए 14। इसके बाद आपका प्रोडक्ट रूल है डी अपॉन डी एक्स ऑफ यू इंटू वी, जो कि अभी स्टार्टिंग में लिख रहे थे। इसमें किसी भी फंक्शन को मान लीजिए फर्स्ट और एक को सेकंड मान लीजिए, तो इसका डिफरेंशिएशन करने का तरीका यह होगा कि फर्स्ट फंक्शन को हम लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। देखिए यू डी अपॉन डी एक्स ऑफ वी प्लस वी डी अपॉन डी एक्स ऑफ यू, इसको कहते हैं प्रोडक्ट रूल। दो फंक्शन का जब भी मल्टीप्लीकेशन होगा तो इस तरह से करेंगे। लास्ट कोसेंट रूल डी अपॉन डी एक्स ऑफ यू अपॉन वी, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्मेट में होगा, तो इसका फॉर्मूला होता है डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर लेंगे एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन नहीं करना, सिर्फ डिनोमिनेटर का स्क्वायर करना है। इसके बाद आप यहाँ डिनोमिनेटर एज इट इज नोट कर लेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर डी अपॉन डी एक्स ऑफ यू माइनस यू डी अपॉन डी एक्स ऑफ वी। तो ये इतने फॉर्मूले हैं जो आपको होते तो और हैं, इन्वर्स फंक्शन के भी होते हैं, बट आपको ज़रूरत फिजिक्स में पड़ेगी नहीं, इसलिए मैं मैथ की क्लास नहीं ले रहा हूँ। तो जितनी जो ज़रूरत है हमें फिजिक्स को, वैसे भी फिजिक्स में ये दोनों ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, लॉग एक्स का पड़ेगा, इसके पहले हमने एक्स टू पावर एन का लिखा था उसकी ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी, लेकिन फिर भी इतने आपको याद होने चाहिए। अब देखिए इसका एप्लीकेशन मैं बताता हूँ एक फॉर्मूलों का, बट ये फॉर्मूले आप नोट कर लेंगे। देखो बेटा जिसे आपका प्रोडक्ट रूल था डी अपॉन डी एक्स ऑफ, फॉर्मूला मैं दोबारा लिख रहा हूँ यू इंटू वी, तो आपका इसका फॉर्मूला क्या बताया गया था, यू डी अपॉन डी एक्स ऑफ वी प्लस वी डी अपॉन डी एक्स ऑफ यू। ये जैसे मान लीजिए आपको लिखा हुआ है कि डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स साइन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो ये आपका एलजेब्रिक फंक्शन, फर्स्ट मान लो एक्स को और साइन एक्स को मान लेते हैं हम सेकेंड फंक्शन, इस फॉर्मूले में पुट करिए। देखिए ये आपका यू हो गया, ये आपका वी हो गया, फर्स्ट सेकेंड लिखिए, या इसको आप लिख सकते हैं यू और इसको मान सकते हैं हम वी है, तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करिए। तो फर्स्ट फंक्शन एक्स डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस साइन एक्स डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स, ये ध्यान रखना। देखिए यहाँ एक्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या बताया बेटा, कॉस एक्स प्लस यहाँ आपका हो गया साइन एक्स, और एक्स का डिफरेंशिएशन वन। देखिए कैसे एक्स का वन होगा, इसमें फॉर्मूला वही लगेगा बेटा, एक्स पावर एन वाला जो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला था, लेकिन इस क्वेश्चन में एक्स पावर नहीं लिखा हुआ तो वन अंडरस्टूड है। इस पावर को पहले आप वन बाहर ले आएंगे और इस पावर में से वन माइनस करेंगे, तो 1 माइनस 1 तो ये कितना हो गया 1 इंटू एक्स टू दी पावर 0, तो 1 इंटू 1 कितना आ गया आपका 1। तो ये याद रखिएगा कि x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 होगा, t का t के रिस्पेक्ट में क्या होगा 1 होगा, थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में 1 होगा, तो ये आपको याद होना चाहिए। तो ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया, तो इसको और आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, x cos x प्लस साइन x, ये आपका फाइनल रिजल्ट, ठीक है। तो ये आपका प्रोडक्ट रूल का एप्लीकेशन हो गया। और देखिए कोसेंट रूल पे एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, कोसेंट रूल क्या था, देखिए डी अपॉन डी एक्स ऑफ यू अपॉन वी, तो क्या फॉर्मूला था बेटा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर करना आपको, फिर डिनोमिनेटर आपने लिखा डी अपॉन डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डी अपॉन डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। सपोज कर लीजिए आपको एक क्वेश्चन दे रखा है डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई एक्स अपॉन साइन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करना है। हालांकि इसको और भी तरीके से कर सकते हैं, बट हम यहाँ कोसेंट रूल लगाना चाह रहे हैं,
हम चाहे तो इसमें प्रोडक्ट रूल भी लगा करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं उसको उस तरीके से सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, अभी लास्ट में आपको हिंट कर दूंगा कि इसको प्रोडक्ट रूल से भी कर सकते हैं। यहाँ देखिए फॉर्मूले को यूज़ करिए, डिनोमिनेटर का स्क्वायर करना है तो साइन एक्स का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर एक्स, फिर आप डिनोमिनेटर यहाँ लिखिए साइन एक्स डी अपॉन डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर क्या है बेटा आपका ई एक्स, माइनस न्यूमरेटर मीन्स ई एक्स एंड डी अपॉन डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर साइन एक्स। अब देखिए इसको सॉल्व करिए, ई एक्स का डिफरेंशिएशन क्या बताएगा, ई एक्स का डिफरेंशिएशन ई एक्स ही होगा, तो ये हो गया साइन एक्स ई पावर एक्स माइनस ई एक्स, साइन एक्स का क्या होता है बेटा कॉस एक्स, ये हो गया डिफरेंशिएशन, और नीचे कितना आपका साइन स्क्वायर एक्स। ऊपर देखिए कुछ कॉमन होगा, हाँ यहाँ आपका ई एक्स कॉमन हो जाएगा, तो ई पावर एक्स यहाँ आपका आ गया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, फाइनल रिजल्ट हो गया ये। हम चाहें तो साइन स्क्वायर एक्स को ऊपर ले जा सकते हैं, कोसेक स्क्वायर एक्स ले सकते हैं, बट वो तो कैलकुलेशन का पार्ट हो गया, डिफरेंशिएशन आपका या कैलकुलस का पार्ट यहीं तक है। जैसे मैं कह रहा था इसको हम प्रोडक्ट रूल से भी कर सकते हैं, सपोज कर लीजिए इस क्वेश्चन को मुझे प्रोडक्ट रूल से करना है तो क्या करेंगे, देखिए डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई एक्स अपॉन साइन एक्स है ये, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई एक्स वन अपॉन साइन एक्स को क्या लिख सकता हूँ कोसेक एक्स, ये ट्रिग्नोमेट्री में आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। अब यहाँ पे इसको फर्स्ट फंक्शन मान लूँ या यू मान लूँ, इसको सेकेंड फंक्शन या वी मान लूँ, फिर इसमें हम प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं और इस फॉर्मूले से भी आपका प्रोडक्ट रूल से भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। बट आपको चूंकि ये फॉर्मूला मुझे अप्लाई करना बताना था इसलिए मैंने इसी तरीके से सॉल्व किया। चलिए और देखते हैं, अब ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, इससे मैं आपको कुछ प्रैक्टिस करा रहा हूँ और कुछ क्वेश्चन अभी मैं आपको मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर आप जाएंगे तो मैं एक एक्सरसाइज ड्रॉप कर दूंगा, आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे। देखिए कुछ क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए डिफरेंशिएशन की, और कल मैं आपको बताऊंगा अगले लेक्चर में कि डिफरेंशिएशन का बेसिकली फिजिक्स में एप्लीकेशन कैसे करेंगे या डिफरेंशिएशन क्या होता है। अभी तो मैं आपको पहले डिफरेंशिएशन करना सिखा रहा हूँ कि किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए कुछ क्वेश्चन, पहली चीज़ तो ये ध्यान रखिएगा, मान लीजिए आपको कहा कि फाइंड द डिफरेंशियल ऑफ एक्स टू द पावर माइनस थ्री, ओके, तो कोशिश ये करिए इसको ऐसे लिख लीजिए लेट वाई इक्वल टू एक्स टू द पावर माइनस थ्री, लिखने का तरीका मैं बता रहा हूँ। इसके बाद लिखेंगे यहाँ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इधर डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई और इधर आपका डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर माइनस थ्री, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ देखिए x पे पावर n, n के अब कितना है यहाँ माइनस थ्री, तो माइनस थ्री आपका बाहर आया और उसके बाद x टू द पावर इसमें से माइनस वन करेंगे तो माइनस थ्री माइनस वन माइनस फोर, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस थ्री अपॉन x टू द पावर माइनस फोर, सॉरी ये प्लस फोर हो जाएगा नीचे आएगा, तो ये आपका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा माइनस थ्री अपॉन एक्स टू पावर फोर। और देखिए कुछ क्वेश्चंस समझते चलिए और नोट भी कर लीजिए। अगला क्वेश्चन दे रखा है वाई इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ एक्स, यहाँ क्यूब रूट दे रखा है, इसका डिफरेंशिएशन देखिए, या दो एक क्वेश्चन और मैं लिख दे रहा हूँ एक ही साथ, y इक्वल्स टू लिखा हुआ वन अपॉन एक्स, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ y इक्वल टू वन अपॉन क्यूब रूट ऑफ x, इसका डिफरेंशिएशन करना है। देखिए देखो बेटा यहाँ, अब इसको सबसे पहले अगर आपका क्वेश्चन सिंप्लीफाई करने लायक है तो पहले उसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसको देखिए इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं y इक्वल टू एक्स टू द पावर वन बाई थ्री, पहले फॉर्मूले के फॉर्मेट में ले आते हैं, क्यूब रूट का मतलब वन बाई थ्री हो गया, अब आप यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, इधर क्या हो गया आपका बेटा dy वाई बाई डी एक्स, इधर d अपॉन डी एक्स ऑफ x टू द पावर वन बाई थ्री। यहाँ देखिए फॉर्मूला अप्लाई करिए, x पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे आप तो वन बाई थ्री तो बाहर आ गया,
और x की पावर क्या सिखाया था बेटा, 1 बाई थ्री माइनस वन, तो कितना आएगा ये 1 अपॉन थ्री एक्स टू दी पावर माइनस टू अपॉन थ्री, ऐसे भी आंसर लिख सकते हैं या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन थ्री, इसको नीचे लाएंगे तो एक्स टू दी पावर क्या हो जाएगा 2 अपॉन थ्री, ये आपका फाइनल रिजल्ट डी वाई बाई डी एक्स। ओके, इस क्वेश्चन को देखिए 1 अपॉन एक्स, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, पहले क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको लिख सकता हूँ एक्स टू दी पावर माइनस वन। अब इसका आप डिफरेंशिएशन करिए तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, देखिए माइनस वन बाहर आएगा आपका और इस पावर में से हमें क्या करना है बेटा, वन माइनस करना है, तो एक्स टू दी पावर माइनस वन तो ऑलरेडी था और माइनस वन यहाँ करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, देखिए इसको ऐसे हो जाएगा ये माइनस वन या इंटू एक्स टू दी पावर माइनस टू, इसको क्या ले सकता हूँ माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, तो ये इसका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। और देखिए इस क्वेश्चन को, थर्ड क्वेश्चन यहाँ देखिए, इसको मैं लिख सकता हूँ y इक्वल्स टू वन अपान, इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों देख के बताओ, इसको लिख सकते हैं x पे पावर वन बाई थ्री, और इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो y इक्वल टू लिख सकते हैं x पावर माइनस वन बाई थ्री। अब ये फार्मूले के फॉर्मेट में आ गया, अब इसको हम अप्लाई करेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इधर आपका हो गया dy वाई बाई डी एक्स, यहाँ देखिए माइनस वन बाई थ्री ये पावर पूरा का पूरा बाहर आ गया और इस पावर में से वन हम माइनस करेंगे तो एक्स पे पावर कितना आ जाएगा माइनस फोर बाई थ्री, तो ऐसे आंसर लिख लीजिए या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वन अपान थ्री और ये नीचे आएगा तो इसका साइन क्या आ जाएगा प्लस फोर बाई थ्री, ये आपका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। सिर्फ इसको नीचे लिख लिया, आप यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हैं। ओके, और देखिए कुछ क्वेश्चन करते हैं हम लोग, थोड़ी प्रैक्टिस आज कर लेते हैं, अगले लेक्चर में फिर मैं आपको बताऊंगा डिफरेंशिएशन के एप्लीकेशंस। और देखो बेटा क्वेश्चन करते हैं, मान लीजिए ये क्वेश्चन दे रखा है y इक्वल्स टू वन अपॉन फाइव एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करना है। अगला क्वेश्चन इसमें एक और y इक्वल्स टू सिक्स, ये है क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, इन दो का करना है। देखिए इसको कैसे करेंगे, y इक्वल टू वन अपॉन फाइव एक्स, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं y इक्वल टू वन अपॉन फाइव और x पे पावर माइनस वन, ठीक है। अब ये कांस्टेंट वन अपॉन फाइव का इस वेरिएबल में क्या है, मल्टीप्लिकेशन, तो अभी आपको बताया था जब कांस्टेंट का वेरिएबल में मल्टीप्लिकेशन होगा तो उस केस में ये वैल्यूज एज इट इज नोट कर लेंगे, तो dy वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू देखिए वन अपॉन फाइव एंड डी अपॉन डी एक्स आप क्या होगा x पे पावर माइनस वन। ओके, ये आपका हो गया वन अपॉन फाइव, इसका डिफरेंशिएशन अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले, देखिए माइनस वन बाहर आया और x टू दी पावर क्या आ जाएगा माइनस वन और माइनस वन तो माइनस टू, तो ये हो गया आपका माइनस वन अपॉन फाइव नीचे है और ये नीचे आएगा तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर। तो याद रखिए वन अपान एक्स, एक्स पावर माइनस वन का मतलब क्या हुआ वन अपान एक्स माइनस ये आपका है एक्स पावर माइनस वन, इसका डिफरेंशिएशन आप ध्यान रखेंगे कि वन अपान एक्स का डिफरेंशिएशन जो होता है माइनस वन अपान एक्स स्क्वायर होगा, याद रखें तो अच्छा है ताकि डायरेक्टली इसकी भी ज़रूरत बहुत पड़ती है तो याद रखेंगे तो सही रहेगा आपके लिए। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं बेटा, अगले को देखिए, ये इसका मान लीजिए करना, इसको पहले सिंप्लीफाई करिए ताकि फॉर्मूला हम अप्लाई कर पाए, तो इसको मैं लिख सकता हूँ y इक्वल्स टू सिक्स और x पे पावर ये कितना हो जाएगा टू अपॉन थ्री, इसको डिफरेंशिएट करना है आपको, इसका डिफरेंशिएशन बताइए क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन dy वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू देखिए यहाँ सिक्स कॉन्स्टेंट है इसका सिर्फ, अच्छा कॉन्स्टेंट को जाए तो कुछ करना नहीं है, एज इट इज नोट कर लेना है, अगर ये नहीं होता सिर्फ सिक्स होता तो डिफरेंशिएशन कितना हो जाता इसका ज़ीरो, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल भी मल्टीप्लाई किया गया है तो कांस्टेंट को एज इट इज़ नोट कर लेंगे। इसका डिफरेंशिएशन देखिए टू अपॉन थ्री एक्स टू दी पावर, इसमें से पावर में से वन माइनस करना है तो कितना आ जाएगा टू अपॉन थ्री माइनस वन, चलिए लिख ले रहा हूँ और ये थ्री से ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना आएगा टू, टू टू या फोर और एक्स पे पावर यहाँ कितना आ जाएगा माइनस वन बाई थ्री, तो
हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 अपान एक्स में पावर 1 बाई 3, ये आपका हो गया डी वाई बाई डी एक्स, ये फाइनल रिजल्ट आ गया बेटा समझ में। चलो और एक दो क्वेश्चन करा जाए इस पर। और प्रॉब्लम्स करते हैं। y इक्वल टू 6x³ प्लस 4x² ठीक है माइनस 3x, चलिए इसी का मान लीजिए डिफ्रेंशिएशन करना है। और एक क्वेश्चन लिख लेते हैं दो कम से कम। y इक्वल टू 4x³ प्लस 3 इंटू 2 to the power x प्लस 6 इंटू x⁻⁴ और यहाँ 8th root प्लस 5 cot x। अब एक चीज़ ध्यान रखना बेटा, जितने भी टर्म्स हों क्वेश्चंस में, इसमें कई सारे टर्म, इसमें भी 3 टर्म है कुल, तो तीनों टर्म का अलग अलग डिफरेंशिएशन करें, दिस टर्म प्लस दिस टर्म माइनस दिस टर्म। देखिए इसका डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ देखिए 6 to the power 8 रहेगा, x³ का क्या होगा 3 बाहर आया और x पे पावर कितना आ जाएगा 2 प्लस 4 कौन से एडजिस्टिज नोट करेंगे इसका क्या आ जाएगा 2x माइनस, अभी आपको बताया x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होगा 1, तो -3 हो गया ये। अभी आपका आ गया 18x² प्लस 8x - 3, ये आपका डी वाई बाई डी एक्स हो गया ठीक है। इसको देखिए, इसका डी वाई बाई डी एक्स यहाँ देखिए 4x³ का क्या होगा बेटा 3x² प्लस 3 × 2 power x है ये, तो 3 तो ये चीज नोट करना है आपको। और इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a पे पावर x का डिफरेंशिएशन क्या बताया गया था बेटा 2x log 2 ओके प्लस 6 इसका। देखिए इसका मतलब क्या है, ये इसको सॉल्व करेंगे आप तो इसकी वैल्यूज कितनी आएगी, इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ x⁻⁴/8 ये होगा, तो -4/8 का मतलब x⁻⁛2, तो कुल मिलाकर के इसका डिफरेंशिएशन करने का मतलब x⁻⁴/-1/2, तो -1/2 power बाहर आया और x⁻⁴/-1/2 और -1 तो कितना आ जाएगा -3/2 ये हो गया प्लस 5। और cot x का डिफरेंशिएशन क्या बताया था -cosec²x, तो इंटू -cosec नीचे लिख देता हूँ प्लस ये हो गया 5 और ब्रैकेट -cosec²x। अब इसको थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, तो ये कितना आ जाएगा बेटा 12x² प्लस 3 इंटू 2 to the power x इंटू log 2, यहाँ देखिए ये 2 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो -3/x⁻ लिख सकते हैं इसको 3/2 और यहाँ हो जाएगा -5 cosec²x, ये इसका फाइनल डिफरेंशिएशन हो गया ठीक है। और दो चार क्वेश्चन किया जाए इस पर, देखिए थोड़ा डिफरेंशिएशन की प्रैक्टिस करा जाए, हालांकि ये ऐसा टॉपिक है कि जिसमें कम से कम 2-3 क्लास लिया जाए तो आप फिजिक्स में जितना यूज करना है उतना आप सीख जाएंगे अच्छे से। एक क्वेश्चन और करते हैं, मान लीजिए y इक्वल टू 4 cot x - ½ cos x प्लस 2 cos x -3 sin x प्लस 6 cot x / cosec x प्लस 9, ये है आपका क्वेश्चन। कई सारे टर्म्स हैं, देखिए देखो बेटा पहले क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तब उसके बाद डिफरेंशिएशन इसका करेंगे।
तो वाई इक्वल टू, इसमें तो कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ये है फोर कॉट एक्स माइनस, ये भी कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, हाफ कॉस एक्स प्लस ये टू अपान कॉस एक्स है तो टू तो रहेगा ही, वन अपान कॉस एक्स को हम लोग क्या ले सकते हैं सेक एक्स, देखिए ये आपका हो गया सेक एक्स, माइनस इसी तरह से इसको क्या ले सकते हैं थ्री, वन अपान साइन एक्स है तो इसको ले सकते हैं कोसेक एक्स, प्लस सिक्स कॉट एक्स अपान कोसेक एक्स है ये, ठीक है तो इसको देखिए क्या ले सकते हैं, कॉट एक्स का मतलब कॉस एक्स अपान साइन एक्स, और इस कोसेक एक्स को वन अपान कोसेक एक्स है ये तो इसको लिख सकते हैं ऊपर साइन एक्स, और प्लस नाइन, देखिए ये यहाँ कैंसिल हो गया, तो फाइनली ये क्वेश्चन आपका हो गया फोर कॉट एक्स माइनस हाफ कॉस एक्स प्लस टू सेक एक्स माइनस थ्री कोसेक एक्स प्लस सिक्स कॉस एक्स और प्लस नाइन, इसका डिफरेंशिएशन करना हम चाहें तो इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, देखिए सिक्स कॉस एक्स है और माइनस ये क्या है हाफ कॉस एक्स, चलिए एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, तो ये जगह फोर कॉट एक्स, ये हाफ है और ये सिक्स है तो कितना आएगा बच्चों बताइए, वहाँ से देखिए सिक्स कॉस एक्स, आप कॉस एक्स कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा सिक्स माइनस हाफ, और सिक्स माइनस हाफ का मतलब कितना हो जाएगा बताइए एलेवन बाई टू, एलेवन अपान टू कॉस एक्स प्लस टू सेक एक्स माइनस थ्री कोसेक एक्स और प्लस नाइन। अब इस क्वेश्चन के जगह पे क्वेश्चन थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में ये आपका आ गया, ठीक है इसका डिफरेंशिएशन आपको करना है एक तरह से, अब लिखिए इसका डिफरेंशिएशन, देखिए कैसे करेंगे, y इक्वल टू फोर एज इट इज रहेगा, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या बताया था बेटा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो ये हो गया माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस एलेवन अपॉन टू, कॉस एक्स का क्या होगा माइनस साइन एक्स प्लस टू, सेक एक्स का क्या होगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स, यहाँ देखिए माइनस थ्री, कोसेक एक्स का क्या बताया गया था माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, और नाइन कॉन्स्टेंट है इसका क्या हो जाएगा जीरो। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, सॉरी यहाँ डी वाई बाई डी एक्स होगा, और ये आपका हो गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस फोर कोसेक स्क्वायर एक्स, यहाँ देखिए क्या आएगा माइनस एलेवन अपॉन टू साइन एक्स, यहाँ आपका हो जाएगा प्लस टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और ये देखिए यहाँ माइनस है और ऑलरेडी यहाँ माइनस है तो ये मल्टीप्लाई किया हो जाएगा प्लस थ्री कोसेक एक्स कॉट एक्स, ये आपका डिफरेंशिएशन आ गया, ओके तो ये आपका फाइनल रिजल्ट हो गया, ठीक है नोट कर लीजिए इसको। और एक दो क्वेश्चन बता देते हैं इस पर, उसके बाद आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं, फिर कल इस पर और डिस्कशन करेंगे। मान लीजिए ऐसे दे रखा y इक्वल टू टू एक्स प्लस थ्री, और दूसरा टर्म इसमें थ्री एक्स माइनस फाइव, इसका डिफरेंशिएशन करना है तो इसके दो तरीके हैं, या तो इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कुल कितने टर्म आ जाएंगे चार, चारों का अलग अलग डिफरेंशिएशन कर दीजिए, या तो आप इसे प्रोडक्ट रूल लगा दीजिए, इस वाले को u मान लीजिए ब्रैकेट को और इसको मान लीजिए v, तो dy वाई बाई डी एक्स क्या आएगा बेटा देखिए, गर्व जो होता बेटा आज dy वाई बाई डी एक्स, मान लीजिए इसको मैं प्रोडक्ट रूल से कर रहा हूँ तो ये हो गया 2x एक्स प्लस थ्री पहला फंक्शन, इसका डिफरेंशिएशन करना है तो देखिए x का क्या बताया गया था 1, तो 3 इंटू वन मतलब 3, और इस कॉन्स्टेंट का क्या हो जाएगा 0, प्लस सेकेंड फंक्शन 3x माइनस फाइव, इसका डिफरेंशिएशन बताइए, इसका तो जीरो हो जाएगा x का 1 तो यहाँ बचा 2, ये हो गया, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो कितना आ जाएगा आपका 6x प्लस नाइन, यहाँ इसको मल्टीप्लाई करिए 6x माइनस टेन, तो ये आपका हो जाएगा 6 और 6 12x, और यहाँ प्लस नाइन माइनस टेन तो कितना आ जाएगा माइनस 1, ये आपका dy बाई डी एक्स आ गया, तो
तो एक तो तरीका ये है इसको प्रोडक्ट टू लगा दूँ, हो सकता कोई बच्चा चाहे तो इसको पहले मल्टीप्लाई कर ले। तो अगर इसको मैं पहले मल्टीप्लाई करता हूँ तो देखिए क्वेश्चन क्या बनेगा, y इक्वल टू टू एक्स का इसमें मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 3 to 6x square, फिर 2x का यहाँ किया तो -10x, और फिर इसका मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा 9x, और ये हो गया आपका -15। पहले हमने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लिया, अब इसका डिफरेंशिएशन देखिए dy/dx, बल्कि एक स्टेप और कर लीजिए बेटा, y इक्वल टू देखिए -10x है और +9x, ये क्या हो जाएगा सिंप्लीफाई होके -x -15। अब आप डिफरेंशिएशन देखिए, बिल्कुल प्रोडक्ट रूल नहीं लगाना पड़ेगा, आप इसको सीधे सीधे कर सकते हैं, 6 तो रहेगा, x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, और x का क्या होता है 1, तो -1 इसका क्या हो गया 0, तो ये आ गया 12x-1। देखिए दोनों तरह से रिजल्ट सेम आएगा, बट इसमें हमने पहले ही कैलकुलस लगा दिया डिफरेंशिएशन, उसके बाद सिंप्लीफाई किया, इसमें इस हिस्से में पहले सिंप्लीफाई कर लिया क्वेश्चन को फिर डिफरेंशिएशन किया, तो कई सारे तरीके हो सकते हैं। चलिए ठीक है बेटा, आज इतने क्वेश्चन, कल क्वेश्चन और कराऊंगा इसमें डिफरेंशिएशन पे, 2-3 लेक्चर इसकी डिफरेंशिएशन के कराने के बाद फिर हम लोग इंटीग्रेशन पे आएंगे। थैंक यू।